गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। जस्ट लुक एट द वेदर, कितना हसीन है। ये मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, इसको इग्नोर करके बाकी मौसम बहुत प्यारा था। तो आज हमें फाइनली ब्लैक एंड ब्राउन से अच्छा खासा माल मिल गया, अदरवाइज इसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। नो रिस्पॉन्स। आप लोग को दिखा दूँ कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे रूम का शर कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये भी थोड़ा क्लीन अप कर लूँ। यहाँ पे आमना की चीज़ें बिखरी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे क्या कर रहे हैं। वेल, ये देखें, भाभी यहाँ पे बैठी हुई है। भाभी और ये सबीना बेबी को लेते हैं क्योंकि बेबी सबीना के पास ही सोती है। और ये यहाँ पे भी आपको बेबी का सामान मिलेगा। और ये देखिए, ये कॉर्नर कितना प्यारा सजाया है भाभी ने, हमारी मिंसो का। ये देखिए हमारी मिंसो जानू का कितना प्यारा है। और ये हमारी मिंसो जानू सबीना के पास सोते हुए रो रही है। और भाभी की ड्रेसिंग बिफोर तो आप लोगों को याद ही होगी। अब देख लें किस तरह है बेचारी की। पानी, शानी, फीडर, बस। ये कुछ इस तरह से शरीर डिस्कस करते हुए बेटी को दीदी से दिखलाएंगे। अब चल के हम देखते हैं आमना। असुगर, हाय आमना। जब मैं जो है आमना को फूड कलर ढूंढ के दे रही हूँ बिकॉज वो कुछ स्पेशल बना रही है। स्पेशल तो चलें जी, मैं देखती हूँ किधर गया हमारा फूड कलर। पहली बात तो ये सुस्त कुछ बना रही है तो हम इसे कहीं से भी ढूंढ के देंगे। ये हमारा थोड़ा सा बोरा, तो मैंने आपको पहले बताया था, है थोड़ा सा अंधा भी है। ये मिल गया इतना अंदर से कोने में। फूड का मैंने उसको बोला कि मुझे ढूंढ के दो, इसको मिल ही नहीं रहा था। और ये आलू बॉयल हो रहे हैं जो कि इस लोटस में जाएंगे। और इस लोटस रूट की जो रेसिपी है वो आप लोगों से आमना शेयर करेगी बिकॉज आमना ये बहुत ही यम्मी बनाती हैं। गाय, जब आमना आप लोगों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा, वो कैसे वहाँ से तो रोशनी नहीं आएगी, फिर कैसे करूँ? ये हमने पहले कर चुके थे और इसने मुझे फिर से करवाया। मैंने बोला था कि मेरे YouTube के दोस्तों को भी दिखाओ तुम क्या कर रही थी, इसीलिए सेकंड वाले में हमें मजा नहीं आया। करना नहीं चाहती थी तो मैंने जबरदस्ती करवाया। वो भी बताओ क्यों मजबूर हो गई? बस इसे मैंने लालच दे दी। ओके, मैं अपनी चीजें लेती हूँ। नहीं, से बताओगी? मुझे बीट्रेट किया। बीट्रेट? अच्छा, चलो ये देखिए आमना क्यों रहे आलू बॉयल। फिर इसके बाद आमना बनाएंगी ये, और ये जल्दी वाला प्रोसेस हम दिखाएंगे। ओके आमना, अब गाइस ये जो है हम फूड कलर बना के रखेंगे एंड सारा प्रोसेस, ठीक है, ताकि आमना जो है बाद में ऐड करे सारी रेसिपी। आमना की वही पानी गरम गरम लेगी आमना। और फिर आमना आप क्या करेंगी? शेफ आमना गरम गरम पानी में फूड कलर डालेंगी। हाँ ओके, पानी क्यों जाया करें? वाह वाह आमना, पाकिस्तानी वाह। पर आजकल पानी जाया करो करो क्यों? जितना पानी आ रहा है ना। अच्छा, इसीलिए। ओके, अब ये फूड कलर आमना डाल रही है इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गरम पानी में ना, जल्दी जल्दी गल जाता है। बस ये आमना बाजी की ट्रिक है। अब देखेंगे कितना इजीली हो गया, गरम पानी था ना, इसीलिए अब आमना बाजी इसको डालेंगी। अच्छा, इसमें अच्छा कलर इसमें डालोगे? नहीं नहीं, इसमें नहीं डालूंगी, उसमें डालूंगी। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा कलर होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, कि हमने रख दिया है जब तक ये बॉयल हो रहा है। और यहाँ पे आमना ने थोड़ा सा फूड कलर भी दे दिया है ताकि इजीली बन जाए। ये बहुत ही फटाफट से रेसिपी बनती है, इसीलिए तो आमना सुस्त बना रही है हमारी। तो जब तक बने मैं आपको दिखाती हूँ। अब आमना आलू मैश कर रही है इस तरह से दम। एंड मैश करने के बाद आमना आप क्या करेंगी? मैश करने के बाद मैं करूँगी क्या? करूँगी क्या? करोगी ये बनाऊंगी ना कि जितनी ये अच्छी गाय जी ना वो नहीं है बताने वाली, जो बताते से खाते हैं। चलो, क्योंकि मैं ना कोई शेफ नहीं हूँ। हाँ शेफ नहीं है, इसीलिए ये कभी कभार बनाती है अपने मूड पे, तो इसीलिए इसको अच्छे से सिखाना नहीं आता। ये बना ले फिर ये आपको जो मैं ही सिखा दूंगी कि किस तरह से बना रही है। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट हो गए हमारे मैश। अब आमना थोड़ा सा कुरेद रही है
एंड देन व्हाट यू गोना डू अमना, फिर शायद हमने इसको इसमें ऐड करेगी या उसको नहीं करने दी इसमें। अच्छा यस, अभी दिखाती हूं इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा खाने के बाद इसलिए प्रोसेस स्टार्ट होगा, अजीब लड़की है यार। देखिए हमने यहाँ से पानी भर रही है, मैंने बोला ये भी आपको दिखा दूँ, बेचारी कितनी मेहनत आज कर रही है। और ऊपर दिखाओ है नहीं, और हमारा अबू लेजी है ना, अबू को दिखाओ जरा। अबू लेजी ना, अभी तक इन्होंने ये चढ़ा नहीं, बाद में। अब ये देखिए नाइट करेंगी क्या, आलू या फिर ये फूड कलर, पहले इसको हटा देते हैं हम, एंड सिर्फ लाल मिर्च डालेंगी ठीक है, और विनेगर और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च पिंच बस। पानी गर्म हो चुका है, थोड़ी सी पिंची मिर्च, ये पूरा फूड कलर डालेंगे, पूरा फूड कलर डालेंगे हम ना इस तरह से, पूरा डालें ना, धोखा क्यों देंगे। थोड़ा सा वो डालूंगी ना जब, अच्छा वो डालूंगी, अच्छा वो डालूंगी, वो डालूंगी यार हम ना, मैंने जैसे कि आपको बताया अच्छी शेफ नहीं है ठीक है, तो कुछ बताने करने में, ये जो हमने आलू बॉइल करके रखे थे ना वो डालेगी, वो डालूंगी। देखिए अब हमने इसको मैश करेगी, हमने सारा डालो ना, आधा आधा जरा जरा टुकड़ा टुकड़ा, जी भाई ये भी न्यू है ना, पता नहीं बेचारी को। चलिए ये देखिए अभी इस तरह से पका रही है, एंड देन हम ना इसको भी पूरा डाल दें, जब मैं वो लोटस डालूंगी ना तब डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा डाल देती हूँ। से हाय मिंसा, मिंसा किचन में आई है, मिंसा पकड़ मिंसा पकड़ो, हाँ मिंसा जानू छनु छनु, हम शिशारी रात हमें जगाती है, हमसे रात में दोस्ती है, दिन में सबिना के पास दोस्ती है। चलें ये देखिए अब आमना इसको मैश करिए, और आमना कितनी देर तक पकाओगी फिर आप इसको, इसको बस 10 मिनट। चलिए ठीक है 10 मिनट तक पकाएं फिर हम आपको दिखाते हैं फाइनल। ये देखिए हमारा बन चुका है द वे वी वांट, और मैंने इसमें बस एक चम्मच विनेगर का ऐड किया। ओके बेचारी को ये देखिए कितना पसीना आ रहा है, बड़ी मेहनत की हमने, खून पसीने की मेहनत है, खून पसीना तो आया, खून खून तुम्हारा निकाल के मैं अभी। चलिए देखिए यम यम बस, एंड देन जस्ट हमने बी एड कर दी, और इसको जो है हम प्रोबेबली 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए गाइस ये ऑलमोस्ट बन गए हैं, कितने यमी लग रहे हैं, फेवरेट है घर में सबके। तो ये देखिए बस हमारे रेडी, अब जस्ट हम इसे निकालेंगे एंड सर्व करेंगे। ये देखें कैसे सोच रही है, इसे ऐसे ही सुकून आता है। मिंसो आजकल के बच्चे मिंसो रानी, ये देखें गाइस रेडी है, कितने यमी यमी से लग रहे हैं। अब जस्ट फॉर द डेकोर हम थोड़ी सी धनिया डाल दें, इतना अच्छी लग रही है बहुत। मैं क्यों थैंक यू बोल, बनाया तो आपने। चलो रेडी, चल के खाते हैं, टेस्ट करके आप लोग को रिव्यूज बताती हूँ, आप भी टेस्ट करो, आप मेरा रिव्यू टेस्ट करो क्योंकि आप शेफ हो हमारे घर की। ओके आमना क्या बात है आपकी, थैंक यू बोलो आमना, थैंक यू बिस्मिल्लाह, थैंक यू डेट टाइम, मैंने बोला थैंक यू बोलो आमना, निकलो अब। चलो अब मैं खाती हूँ और आपको सच्चे रिव्यूज बताती हूँ, सच में सफा गांव के जैसे आमना, मतलब पास हूँ अपने कपड़े शपड़े सेट, एंड देन करते बाकी के काम, पहले एनर्जी फर्स्ट देन बाकी के काम। ये देखिए गाइस मेरे से बिना ने जूड़ा बनाया, बड़ा बड़ा चाहिए इसकी, क्योंकि सबीना के साथ बड़ी देर ले इसीलिए, और चाय पीती हूँ मैं उसके बाद जो ये सारा समेटती हूँ। ये लोटली देखिए कैसे सो रही है सबीना के पास, इस तरह से ऐसे सुकून आता है, वरना बहुत रोती है। गाइस ये देखिए हम नीचे पहन के जाते हैं, इसीलिए कितनी मिट्टी है इनमें, नीचे अभी कितना सारा पानी भरा पड़ा है, नहीं है यहाँ पे लोकेटेड गाइस, ये पूरा तैला बना हुआ है। तो जी अब हो चुका है डिनर का टाइम, एंड मैं डिनर में जो ले रही हूँ ये है ब्राउन राइस, जो है आजकल मैं थोड़ी बहुत डाइट कर रही हूँ तो इसीलिए देखते हैं कब तक चलती है। ऑल अबाउट माय डिनर, ये जो है थोड़ी सी मैंने राइस लिए ब्राउन राइस, एंड हाफ जो है रोटी ली है, उसके अलावा ये सब्जी, ये भी सब्जी थोड़ी थोड़ी करके ली है,
सो जस्ट होप सो मैं फुलफिल कर पाऊँ, दैट्स अबाउट इट। तो चलिए जी, अब करते हैं अपनी वॉर्डरोब का थोड़ा सा स्पेस खाली। ये जो वो ड्रेसेस है जिनका मैंने रिव्यूज़ ऑलरेडी दे दिया है, अब मेरे यूज़ में नहीं है, तो मैंने सोचा कि उन्हें पैक करके रख दूं। और पीछे से भी वही हैं जो मेरे अभी काम में नहीं आने वाले, तो सारे मैंने पैक कर लिए, अब मम्मी से रखवा लेती हूँ। तो जी ये देखिए, मैंने फाइनली क्लीन करवा लिया, ये सारा जो है मैंने ऊपर रखवाया है, एंड नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा बहुत स्पेस खाली हो गया, इसमें भी एक दो यू नो मतलब आ जाएंगे तीन चार ड्रेसेस, तो जब तक नहीं हुआ है। ये भी फुल है, ये वाला भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो अब जो है मुझे लगता है कि मुझे ना तीन डोर वाली लेनी पड़ेगी, और इस बेड के नीचे तो मेरा खजाना पड़ा है, इसे तो खोले भी मत, बहुत खजाना है। तो आज का डे एंड व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा।